गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजन करते हैं। जिसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूजन करके जायगोट बनाएंगे और जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकम्बिनेशन या फिर वेरिएशन पाया जाता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन या वेरिएशन होता है और इसी वजह से जो पैरेंट और प्रोजेनी में एक समान या समरूप नहीं होते। जो भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन या वेरिएशन जब पाया जाएगा तो उसकी जो प्रोजेनी है वो पेरेंट से मिलती जुलती नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होगी यानी अर्थात समरूप नहीं होती। प्लांट के केस में मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन होकर के जायगोट बनाएगा। जायगोट में डिवीजन होता है और डिवीजन फिर इसके बाद सेल डिवीजन होने के बाद नंबर ऑफ सेल्स होंगे, उसका साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो वहां पे सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिफरेंशिएशन पाया जाता है और इस जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और इस जायगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जायगोट में सेल डिवीजन होंगे, उसके सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिफरेंशिएशन के बाद एम्ब्रियो बनेंगे, एम्ब्रियो जायगोट से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं।
ओरिजिन ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स। सेक्स फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म मोनेरा bacteria, for example bacteria primitive type of primitive type of genetic recombination genetic recombination primitive type of genetic recombination in prokaryotes sexual reproduction jisme gamete formation hota hai lower organism se lekar ke higher organism mein sexual reproduction paya jata hai jisme male aur female gamete ka formation hota hai aur male female gametes बन करके जायगोट का निर्माण करते हैं। और इसी तरह जायगोट से सेल डिवीजन होंगे, सेल डिफरेंशिएशन होंगे, उसका साइज बढ़ेगा, जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो इस प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स फाउंड इन द लोअर ऑर्गेनिज्म इन मोनेरा। मोनेरा में फॉर एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। प्रिमिटिव टाइप ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन प्रोकैरियोट्स, दैट मींस जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स। विटकर का जो क्लासिफिकेशन था जिसमें मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एनिमेलिया एंड प्लांटी फंजाई एनिमेलिया एंड प्लांटी में मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता और उसमें लेकिन मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन डिफ्रेंशिएट होते हैं। बट जो पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन है पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन
पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन quite similar, quite identical good to identical. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ प्लांट हैं जिसमें फ्लावरिंग है केवल वर्ष में एक ही बार आती है. ऐसे प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोबिलंथस पुंतियाना, इसके फ्लावर्स 12 वर्ष में एक बार इसकी फ्लावरिंग होती है, तो ऐसे प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं. और ये नीला करंजी है, नीला करंजी, और ये साउथ में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु रीजन में पाया जाता है. पॉलीकार्पिक प्लांट्स फ्लावर एवरी ईयर. प्रत्येक वर्ष इसमें फ्लावरिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल सो फ्लावर मैंगो. So, flower, mango. अब आगे टॉपिक ये है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन on the basis of time of breeding. On the basis of time of breeding. एक सीजनल होगा, दूसरा कंटिन्यूअस होगा. सीजनल कंटिन्यूअस
में पर्टिकुलर पीरियड होगा, पर्टिकुलर पीरियड, ऐसे ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर पीरियड में ही उनका कॉपुलेशन होता है और ये सेक्स अर्ज भी करते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस में सेक्स अर्ज नहीं होता है। इसमें मेंस्टुएशन साइक्लिक होगा जिसमें प्रोलिफरेट स्टेज होगी और सेक्रेटरी फेज एंड प्रोलिफरेट कंडीशन आएगी कंटिन्यूअस में। इसमें सेक्स अर्ज नहीं होगा, इसमें सेक्स अर्ज पाया जाएगा। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस ब्रीडर दो प्रकार के होंगे, जो प्लेसेंटल मैमल है इसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज होगी उस समय एक्टिव होंगे। कंटिन्यूअस रिप्रोडक्टिव फेज कंटिन्यूअस होगी इसका, कंटिन्यूअस जो ब्रीडर है वो ये सीजन में होंगे, ये कंटिन्यू हर मंथ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, ये सेक्स अर्ज नहीं करेंगे, सेक्स अर्ज करेंगे। और प्लेसेंटल मैमल्स में एक प्राइमेट होंगे, और दूसरा स्ट्रेस साइकिल होगी। और ये स्ट्रेस साइकिल में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सेक्स, इसमें सेक्स अर्ज होगा, दैट मीन्स इसमें सेक्स अर्ज नहीं पाएगा। इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी, दैट मीन्स इसमें हीट पीरियड होगा और उसी समय इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कॉपुलेशन पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, काउ, रेड, पिग, डॉग, मंकी, प्राइमेट में चिंपैंजी, और ह्यूमन। तो कंटिन्यूअस और सीजनल ब्रीडर्स, एक सीजन में इनका हीट पीरियड होता है और जो कंटिन्यूअस है उसमें कंटिन्यूअस होता है और मंथ होता है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाई जाएगी। और इस तरह के एक प्लेसेंटल मैमल है जिसमें ओस्ट्रस और प्लेसेंटा पाया जाएगा, जिसमें ओस्ट्रस साइकिल पाई जाएगी और कुछ प्राइमेट में एस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, जैसे ह्यूमन है, मंकी है और चिंपैंजी है। यहाँ पे ये सेक्स अर्ज करेंगे, हीट पीरियड होगा, इसमें कॉपुलेशन होगा, इसमें भी कॉपुलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाई जाएगी और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रोलिफरेटिव स्टेज होगी और ये प्रोलिफरेटिव स्टेज और सेक्रेटरी फेज होगी। आगे चल करके हम गैमेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में बात करेंगे।
सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज में प्रोटिस्ट और फंजाई की बात करते हैं। प्रोटिस्ट एंड फंजाई की बात करते हैं। कुछ होमोथैलिक होते हैं और कुछ हेटरोथैलिक होते हैं। होमोथैलिक और हेटरोथैलिक मेल इस जो होमोथैलिक है इनका जो थैलस है वो एक समान है, इसका जो थैलस है वो डिफरेंट साइज का है। और यहाँ पे जो मेल अगर बाइसेक्सुअल की बात आती है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस पे प्रेजेंट है, एक समान है, थैलस एक समान है, होमोथैलिक कहलाएंगे। बायसेक्सुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं जिसे बायसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। होमोथैलिक में फॉर एग्जाम्पल मीपर है, हेटरोथैलिक में डिफरेंट थैलस डिफरेंट टाइप्स का विभिन्न आकार का थैलस है और ये राइजोपस फंगस एक तरह का राइजोपस स्टोन लीफा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज प्रोटिस्ट और फंजाई में देखने को मिलता है। फंजाई के एग्जांपल है अगर होमोथैलिक है उसका जो थैलस है एक समान है वो मीपर फंजाई में देखने को मिलता है। हेट्रोथैलिक्स जिसमें इसका जो थैलस है वो आकार डिफरेंट है, उसका साइज डिफरेंट है और ये राइजोपस स्टोनलीफर में देखने को मिलता है। Sexuality in flowering plant. एक और कंडीशन बताए दे रहे हैं, एक वेजिटेटिव फेज होता है जब प्लांट्स का जो ग्रोइंग स्टेज होती है डेवलपमेंट होता है वो वेजिटेटिव स्टेज कहलाएगी या फिर इसको जुवेनाइल स्टेज कहेंगे, जुवेनाइल स्टेज कहेंगे। फिर इसके बाद मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी इसी पीरियड में इसकी फ्लावरिंग रिप्रोडक्ट की जो कंडीशन है
वो देखने के मेच्योरिटी पीरियड में ही मिलती है। जो भी गैमेट फॉर्मेशन चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो मेच्योरिटी में ही गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। और जब मैच्योरिटी स्टेज खत्म हो जाती है जीर्णता की स्टेज आ जाती है, और जीर्णता के बाद डेथ पॉसिबल है। तो जितने भी सेक्सुअलिटी और मैच्योरिटी पीरियड में देखने को मिलता है, और अब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की। अब यहां पर हर्माफ्रोडाइट, ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन, फ्लावरिंग प्लांट दैट मींस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्मिक प्लांट या सीड प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल ऑर्गन्स, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन को स्टेमिनेट स्टैमेंस प्रेजेंट होंगे, फीमेल ऑर्गन्स में कार्पल्स प्रेजेंट होगी, फीमेल ऑर्गन में कार्पेल प्रेजेंट होंगे। अगर स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे प्लांट को स्टेमिनेट, ऐसे फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, और जो कार्पेल प्रेजेंट होगा उसे पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेम प्लांट में प्रेजेंट है, उसे हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। दूसरा नाम इसका बाइसेक्सुअल है। बाई मीन्स दो, यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स उसी ऑर्गेनिज्म में उसी प्लांट में प्रेजेंट है तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो रेफनस, सो फ्लावर पी फ्लावर, में पाया जाता है। दूसरी कंडीशन मोनोइसियस, मोनोइसियस या फिर यूनिसेक्सुअल और डायोइसियस,
डायोसियस या यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट होंगे, अलग अलग होते हैं, उसे डायोसियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपाया पपाया कैनाबिनिस पपाया और कैनाबिनिस, इनके जो मेल और फीमेल प्लांट हैं वो अलग अलग होंगे, और इस तरह ये देखने को पपाया प्लांट में और कैनाबिनिस भांग वाले पौधे में देखने को मिलता है। मोनोसियस एक ही प्लांट है और इस प्लांट में एक ब्रांच है, उस ब्रांच में मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं और उसी ब्रांच में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो ऐसे प्लांट एक ब्रांच है जिसमें मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है और फीमेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, ऐसे प्लांट मोनोइसियस प्लांट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कारा, या दूसरी कंडीशन, अगर एक ब्रांच में मेल मेल का फ्लावर लगा हुआ है और दूसरी ब्रांच में फीमेल का फ्लावर लगा हुआ है, तो इस कंडीशन को मोनोइसियस कहते हैं। प्लांट सेम होगा, मेज कोकोनट कुकरबिट्स, मेज कोकोनट कुकरबिट्स, प्लांट सेम है, उसके एक ब्रांच में मेल फ्लावर लगा, आगे चल के दूसरी ब्रांच निकली उसमें फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स मोनोसियस प्लांट कहते हैं। और एलगी में जो कारा है वो एलगी है, उसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है और मोनोइसियस का एलगी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या घटनाएं हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन स्टेज है, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन और थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमेट ट्रांसफर गैमेट ट्रांसफर प्रीफर्टिलाइजेशन में इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में घटनाएं है प्रीफर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्रीफर्टिलाइजेशन में दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक गैमेटोजेनेसिस होती है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा जब गैमेट बन गया तो गैमेट का ट्रांसफर होता है। अब गैमेट्स मेल गैमेट्स है फीमेल गैमेट्स है, अगर वो सिमिलियर टाइप के गैमेट्स हैं उनका जो आकार है वो सेम है, अगर फ्लैजेला अगर गैमेट्स में प्रेजेंट है तो मोटाइल गैमेट है, अगर फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है जैसे मान लीजिए ये इसमें फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है ये नॉन मोटाइल हो गई, नॉन मोटाइल हो गया, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आइसो मीन्स समान, इसके जो गैमेट्स हैं वो समान गैमेट्स हैं इसलिए इसे आइसो गैमेट्स कहते हैं। और ये आइसोगैमेट्स क्लैडोफोरा में क्लैडोफोरा वालवॉक्स क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है और इलोथ्रिक्स में भी अब दूसरी कंडीशन आई हेट्रोगैमेट, ये तो आइसोगैमेट्स हो गए, सेकंड हेट्रोगैमेट्स हेट्रोगैमेट्स में डिफरेंट साइज के होंगे, उनका साइज डिफरेंट होगा तो ऐसे गैमेट्स को हेट्रोगैमेट कहते हैं। एक लार्ज गैमेट है और एक स्मॉल साइज के गैमेट्स हैं तो ऐसे गैमेट्स को हेट्रोगैमेट कहेंगे, जो लार्ज साइज है वो फीमेल का है जो स्मॉल साइज है वो मेल का है, तो ऐसे गैमेट्स को हेट्रोगैमेट कहते हैं। और ये हेट्रोगैमेट्स में दो प्रकार के हैं, एक एनाइसोगैमेट्स एनाइसोगैमेट्स यानी कि उनका जो साइज है वो डिफरेंस है सेम नहीं है, और दूसरा ऊगैमेट्स ऊगैमी एनाइसोगैमेट्स या ऊगैमेट्स या उगेमी जैसे ह्यूमन का ओवम है और स्पर्म है ह्यूमन का, ह्यूमन का एक 100 मिली माइक्रॉन है, ये 100 मिली माइक्रॉन है और स्पर्म 25 मिली माइक्रॉन। इसी तरह ओटोगोनियम में ओगोनिया हो गए और उसका जो मेल गैमेट्स है
वो स्मॉल इन साइज का होगा। तो ऐसे गैमेट्स को एनाइसोगैमेट्स कहते हैं। एक हमने बताया आपको आइसोगैमेट्स, जिसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल क्लाइडोफोरा में देखने को मिलता है और वो मोटाइल की कंडीशन में दिखेंगे, जैसे इलेथ्रिक्स में आप दिख रहे हैं, क्लाइडोफोरा में, वालवाक्स में, क्लाइमाइटोमोनास में। बट हेट्रोगैमेट्स दो प्रकार के होंगे, एक एनाइसोगैमेट्स होगा, एक ऊगैमेट्स होगा। एनाइसोगैमेट्स में उनका जो साइज है वो डिफरेंस है, एक स्मॉल है, एक लार्ज है। जो लार्ज है वो फीमेल है और जो स्मॉल है वो मेल है। ऊगोनियम में ओवम का फॉर्मेशन हुआ, वो स्फेरिकल की तरह दिख रहा है, गोलाकार की तरह, राउंड की तरह। और यहाँ पे जो मेल गैमेट्स है उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये भी एक तरह का ऊगैमेट्स है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स दिख रहे हैं, इसलिए इसको हेट्रोगैमेट्स कहा जाता है। अब दूसरी हेडिंग आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन हुआ, रिप्रोडक्शन के दौरान जायगोट बना। यदि उसका फ्यूजन बाहर होता है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यदि उसका फ्यूजन, गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो इंटरनल होता है, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का दिखाया गया, एक एक्सटर्नल एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो राना टिग्रीना में देखने को मिलेगा, मेडक का नाम है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और तीसरा फर्टिलाइजेशन के आफ्टर दोनों का फ्यूजन हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो देखने को मिलता है। अब हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मोनेरा, प्रोटिस्टा है, सॉरी प्रोटिस्टा नहीं, फंजाई एल्गी ब्रायोफाइट है, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में माइटोटिक डिविजन होंगे और ये हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जिसमें
जो लाइफ साइकिल होगी वो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होगी। यदि उनका फ्यूजन हो जाता है तो डिप्लॉयड जायगोट बनेंगे, और डिप्लॉयड जायगोट में जब डिप्लॉयड जायगोट बन जाएगा तो हैप्लो डिप्लो, पहले क्या होगा हैप्लॉयड साइकिल होगी, फिर इसके बाद डिप्लॉयड होगी, तो हैप्लो डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल पाई जाती। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जैसे आपका टेरिडोफाइट्स है, फाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, जैसा कि टर्म से क्लियर होना चाहिए। एंजियोस्पर्म ऐसे टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट जिसमें फेदर लाइक प्लांट्स कहलाते हैं, इनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं। जो लेट सीड पाए जाएंगे उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और जिनके सीड कवर्ड होंगे दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स, उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कुछ एनिमल्स है, मोस्ट एनिमल्स हैं उस एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में मियोसाइट्स है, वो मियोसाइट्स में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन होगा, माइक्रो और मेगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा जो पोलन ग्रेन्स के निर्माण में भागीदारी लेगा, और मेगास्पोरोजेनेसिस जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है उसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब माइक्रोस्पोर बन गए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में माइक्रोस्पोर तो पॉलिनेशन के द्वारा गैमेट इसके ट्रांसफर होंगे, जब गैमेट ट्रांसफर होंगे तो उस बायसेक्सुअल फ्लावर में एयर के द्वारा या किसी भी फ्लावर्स में एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा फ्लावर पॉलिनेट होगा, और जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो यदि उसके पोलन ट्यूब के द्वारा पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमिट्स फीमेल गैमेटोफाइट में एंट्री करते हैं, एम्ब्रियो सैक में एंट्री करते हैं, तो उससे हम उस प्रक्रिया को हम साइफोनोगेमी कहते हैं। साइफोगेमी पोलन ट्यूब के द्वारा पॉलिनेशन में भागीदारी ले रहा है उसे साइफोगेमी कहें। इस तरह एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइज हो गया,
फर्टिलाइज होने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो पेरिकार्प जो अब वहां पे जो सीड है, अब आप ये देखिए ये स्टाइल स्टिग्मा है और ये सीड है ओरिम लगे हुए, तो ये जो बाहर के है वो पेरिकार्प कहलाया, पेरिकार्प पेरिकार्प ये फ्रूट की फल भित्ति है। अब वो फ्रेशी भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है। ओव्यूल्स जो है सीड बनाते हैं, ओव्यूल सीड का निर्माण करते हैं। और ये सीड फ्यूनिकल के द्वारा इस पेरिकार्प में अटैचमेंट होते हैं। इसी तरह मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एल्गी में देखते हैं या फंजाई में देखते हैं या ब्रायोफाइट में देखते हैं, तो उसका जो ट्रांसफर होता है मेल और मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास, तो विद द हेल्प ऑफ वाटर के द्वारा जब ये ट्रांसफर होते हैं तो वो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, जायगोट बना देते हैं। और जब जायगोट बन जाता है तो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और एल्गी में क्या होगा कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में जायगोट रेजिस्टेंस और डिस्केशन रेजिस्टेंस पावर होता है, कोई आघात लगेगा या कोई गर्मी पड़ गई या सनलाइट ज़्यादा हो गई तो उस पर अपने प्रोटोप्लाज्म को जीवित रखने के लिए उसके बाहर चारों ओर कवरिंग मेम्ब्रेन, फिर जर्मिनेशन करके फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना देता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गई। इस तरह पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जब हम देखते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, जायगोट बन जाता है और डिप्लॉयड जायगोट जितने भी रिप्रोडक्टिव या रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड जायगोट बनता है। और एनिमल के केस में क्लीवेज होगा, मार्बुला होगी, ब्लास्टुला होगी, गैस्टुला होगी। गैस्टुला में तीन लेयर पाए जाएंगे। ये आगे चल करके आपको एनिमल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट चैप्टर में यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस है, वहाँ पे आपको इंडिविजुअल तरीके से अंडरस्टैंड कराया जाएगा। ये प्रक्रियाएं पाई जाएंगे। इस तरह जो डिप्लॉयड सेल है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन को प्रदर्शित करता है, जो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन को प्रेजेंट करते हैं। तो जब कभी प्लांट की लाइफ साइकिल आती है तो वहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम सुना होगा, तो वहाँ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड की कंडीशन आ रही।
इस तरह वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक जनरेशन पाई जाती है, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इन प्लांट के केस में एम्ब्रियोजेनेसिस में जब आपने देखा कि प्लांट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, इसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट में सेल डिवीजन होगा, फिर इसके बाद सेल डिफ्रेंशिएशन होगा। जब सेल डिवीजन के बाद सेल डिफ्रेंशिएट होगी, उसका साइज बढ़ेगा, तो उसमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में डिफ्रेंशिएट होगा, उसके आर्गन बनेंगे। आर्गन बनने के बाद इम्ब्रियो, जायगोट से इम्ब्रियो को फॉर्मेशन होगा। इस प्रक्रिया को इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब एक आया कि जो फीमेल गैमेटोफाइट से पार्थेनोजेनेसिस का एक शब्द आया, फीमेल गैमेट से फल बनने की प्रक्रिया को, फीमेल गैमेट से प्लांट बनने की प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस यानी कि विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स से डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए पार्थेनोजेनेसिस हनीबी में देखने को मिलेगा, जो फर्टिलाइज्ड ओम होगा, वो फर्टिलाइज्ड ओवम तीन बनाएगी, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो ड्रोन्स का निर्माण करती है, ड्रोन्स का। तो ये जो फर्टिलाइज, इसमें फर्टिलिटी पावर होगा और वर्कर्स भी फर्टिलाइज ओम के द्वारा बनेंगे, लेकिन वो फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होगा, ये भी फर्टिलाइज ओम के द्वारा वर्कर्स बनेंगे, लेकिन ये वर्कर्स फर्टाइल नहीं होंगे, इनफर्टाइल होंगे, मतलब फर्टाइल नहीं होंगे, केवल फीमेल जो मक्खी है वो फर्टिलिटी प्रोड्यूस करे। तो ये प्रक्रिया पार्थेनोजेनेसिस की हनीबी में देखने को मिलती है, फीमेल आर्गन से फ्रूट बनने की प्रक्रिया प्लांट में भी देखी जा सकती है, और वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।